समय के साथ लोग बहुत बिजी हो जाते हैं और बिजी होने की वजह से बहुत सारी आदतें छूटने लगती हैं, जैसे कि टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, टाइम पे उठना वगैरह वगैरह। तो आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं चीज़ों को बताने जा रहा हूँ जो कि आपको लाइफ में कभी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, मैं हूँ अविनाश और स्वागत है आप सबका मेंस फैशन की दुनिया में, जहाँ मैं आपसे शेयर करता हूँ मेंस फैशन से जुड़ी जानकारियाँ जो आपके काम आ सकती है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गेट सेट फैशन। दोस्तों, होता यूं है कि लाइफ में काम में हम इतनी ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि लाइफ में हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा काम हो जाता है। जैसे कि अगर आपको भूख लगी है तो आप पहले सोचते हैं काम कंप्लीट कर लेते हैं फिर खाना खाएंगे, और ऐसा करते करते हमारे सारे अच्छे हैबिट्स बैड हैबिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि हमारे बैड हैबिट्स को सही हैबिट्स में कन्वर्ट ना किया जा सके। तो अगर रोज हम अपने इन बैड हैबिट्स पर ध्यान दें तो इन्हें अच्छे हैबिट्स में बदला जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि ये बैड हैबिट्स क्या हैं और इन्हें हम कैसे सुधार सकते हैं। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहली चीज है जो मेंस करना इग्नोर करते हैं वो है रोज नहाना। कुछ मेंस में ये बहुत ही ज्यादा कॉमन बैड हैबिट है कि वो रोज नहीं नहाते। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो एक सप्ताह तक नहीं नहाते और कुछ लोग तो शायद उससे ज्यादा भी। हाँ, सर्दियों में एक दो दिन इग्नोर किया चलो चलता है, पर गर्मियों में भी नहीं नहाना, आई डोंट नो कि ये लोग क्यों करते हैं ऐसा। रोज नहाने से हमारे बॉडी में हाइजीन मेंटेन रहती है, यानी कि हमारे पसीने से निकलने वाले टॉक्सिन्स और अगर हम बाहर निकलते हैं तो धूल मिट्टी सारे धुल जाते हैं। और हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और आपके बॉडी से स्मेल भी आती है तो आपका रोज नहाना तो मस्ट है, ताकि आपके आसपास के लोग भी स्वस्थ रहें। रोज नहाने का एक फायदा और है कि आपको पसीने और धूल मिट्टी से होने वाले बॉडी में इन्फेक्शंस नहीं होते। अगला जो बैड हैबिट है वो है बिना प्रेस किए कपड़े पहनना। ये भी बहुत कॉमन बैड हैबिट है मेंस में कि वो आयरन किए हुए कपड़े नहीं पहनते। हाँ, अगर आपके पास पैसे बिल्कुल ही नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, अगर आपको बिना आयरन किए हुए कपड़े में लोग देखेंगे तो वो साफ कहेंगे यार देखो कितना आलसी है ये। और हाँ, अगर आप देखने में भले ही कितने भी स्टड हो और हैंडसम हो, अगर आपने बिना आयरन किए हुए कपड़े पहने हैं ना, तो फिर वो आपको वहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। तो अगर आपको अपना नेगेटिव इम्प्रेशन क्रिएट नहीं करना है लोगों के सामने, तो आप खुद से आयरन खरीद लें और खुद से कपड़े आयरन करके पहना करें। दूसरा, या तो आप सही में आलसी हैं तो अपने आसपास के जो भी लॉन्ड्री वाले हैं जो कि प्रेस करते हैं उनको आप अपने कपड़े दे सकते हैं। और सबसे लास्ट ऑप्शन, जो कि हम कभी हॉस्टल में यूज़ किया करते थे, आप कपड़े को धोकर अच्छे से फोल्ड करके उसे कपड़े में लपेट कर बेड के नीचे रख दो और 2-3 दिन के बाद आप निकाल के देखो तो बिल्कुल ही अच्छे से आयरन जैसी हो जाएगी। अब बिल्कुल आयरन की तरह तो नहीं लगेगी, लेकिन हाँ, उससे आपका काम जरूर चल जाएगा। अगला जो बैड हैबिट है वो है रेगुलरली अपने नेल्स कट नहीं करना। अब देखो, ये बात मैं अगर बोलूंगा तो बोलूंगा कि मैं बच्चा थोड़ी हूँ, बचपन से पता है ये बात, बिल्कुल बचपन से पता है, बट फिर भी पता नहीं क्यों इतने बड़े होने के बाद भी नेल्स बनाने का क्या शौक है। हाँ, वैसे पता है कि नेल्स हमारे हाथों की उंगलियों और पैरों की उंगलियों को प्रोटेक्ट करते हैं, कहीं पे इचिंग हुई तो उसे आराम से खुजा सकते हैं, हाथ में अगर कांटा फंस गया तो उसे निकाल सकते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि राक्षसों की तरह नाखून बढ़ा लें। अगर किसी लड़की ने देख लिया ना तो गर्लफ्रेंड बनने से पहले ही छोड़ के भाग जाएगी। तो इसीलिए अपने नाखून रेगुलरली कट किया कीजिए। तो अगला जो बैड हैबिट है वो है सॉक्स रेगुलरली नहीं धोना। ये चीज आपके साथ कभी ना कभी जरूर होगी, या तो आपके स्कूल में, कॉलेज में, बस में या ट्रेन में, कि अचानक से आपके नाक में एक बहुत ही अजीब सी बदबू आती है, मानो जैसे कोई सड़ा हुआ चूहा हो, और वहीं आसपास में आपका कोई इंसान ऐसे बैठा हो जैसे वो गुलाब के बगीचे में बैठा हो, या फिर ऐसा जो बोल रहा हो कि नहीं नहीं मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही, तो समझ जाना कि ये स्मेल जरूर उस इंसान के सॉक्स से आ रही है। तो अगर आप भी वही इंसान है जिनके सॉक्स से स्मेल आती है तो भाई सॉक्स धो लिया करो। अपने पास एटलीस्ट 2 पेयर सॉक्स जरूर रखें, ताकि एक सॉक्स अगर आप धोएं तो दूसरा सॉक्स आप पहन कर जा सकें और अल्टरनेट 1 या 2 दिन के डिफरेंस पे आप उसको पहन सकते हैं। और हाँ, इससे आपके सॉक्स स्मेल भी नहीं करेंगे और आपको कहीं भी एम्बैरेस नहीं होना पड़ेगा। अगला जो बैड हैबिट है वो है सेम अंडरवियर कई दिनों तक पहने रहना। अब इसके बारे में मैं बोलना तो नहीं चाहता, पर क्या करें, बोलना तो पड़ेगा। कुछ मेंस में ये बैड हैबिट्स भी होती है कि सेम अंडरवियर 2-3 दिन तक पहने रहते हैं, और इवन कुछ लोग उससे ज़्यादा। अब चूंकि रोज नहाते नहीं तो रोज अंडरवियर चेंज करना जरूरी समझते नहीं, जो कि एक बहुत ही गलत हैबिट है, जबकि आपको अंडरवियर रोज बदलने चाहिए। अगर सेम अंडरवियर हम 1-2 दिन तक पहने रखें तो प्राइवेट एरियाज में स्वेटिंग और मॉइस्चर की वजह से वहाँ पे बैक्टीरियाज डेवलप हो सकते हैं, और जिसकी वजह से इन्फेक्शंस और इरिटेशन होने का डर है। तो इसीलिए हर दिन अंडरवियर चेंज करें और उसे अच्छे से धोएं, इससे आपके प्राइवेट एरियाज में भी हाइजीन मेंटेन रहेगी। अब नेक्स्ट जो बैड हैबिट है वो है अपने रूम को क्लीन नहीं रखना। मैं तो कहूँगा कि ये मोस्ट ऑफ द बॉयज के साथ सेम प्रॉब्लम है कि वो अपना रूम साफ नहीं रखते। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी पहले ऐसा किया करता था, बट वो आदत मैंने छोड़ दी। आपको अपने बॉडी को तो साफ रखना ही है, पर अगर आपने सिर्फ अपने बॉडी को साफ रखा है और आप जहाँ रहते हैं, जहाँ खाते हैं, जहाँ सोते हैं, इवन जहाँ काम करते हैं, वो अगर साफ नहीं है तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है।
अपने बॉडी के साथ साथ अपने आसपास के जगह को भी साफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं तो आप वीक में एक या दो दिन अपने रूम की सफाई तो कर ही सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ कॉमन बैड हैबिट्स जो मेंस को हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। वैसे तो बैड हैबिट्स की लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है, पर ये कुछ कॉमन और बेसिक बैड हैबिट्स हैं जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और इसी तरह मेंस फैशन से जुड़ी जानकारियां पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे किसी मेंस फैशन से रिलेटेड अगले वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, वर्क हार्ड एंड लिव योर ड्रीम टुडे नॉट टुमारो। जय हिंद।